दोस्तों, मई और जून के दिनों में कागज के टुकड़े या दूसरी वस्तुओं को अगर धूप में रख दी जाए तो वह थोड़ी ही देर में गर्म हो जाती है। इसके अलावा अगर हम किसी भी धातु के टुकड़े को कुछ देर तक धूप में रख दें तो वह इतना गर्म हो जाता है कि उसे छूना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि पेड़ों की पत्तियां पूरा दिन धूप में रहने के बाद भी वह गर्म नहीं होती, वह हमेशा हरी भरी और तरोताजा रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे धूप उन पर पड़ी ही ना हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर धूप में पेड़ों की पत्तियां गर्म क्यों नहीं होती? दोस्तों, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, यह बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेड़ों की पत्तियां कोशिकाओं की कई परतों से मिलकर बनी होती हैं। प्रत्येक पत्ती की कोशिकाएं ऊपर और नीचे की ओर बाह्य त्वचाओं से ढकी हुई होती है। नीचे की त्वचा में काफी मात्रा में छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। यह वाल्व की तरह काम करते हैं। यह क्षेत्र पत्ती और वायुमंडल के बीच गैसों का विनिमय पर नियंत्रण करते हैं। दोस्तों, विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। जब यह छिद्र खुले होते हैं तब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्ती के इन्हीं छिद्रों से अंदर प्रवेश करती है और इन्हीं छिद्रों से पत्ती के अंदर ऑक्सीजन और जलवाष्प बाहर आता है। जब स्टोमेटा यानी छिद्र बंद होते हैं तब कोई भी गैस न तो अंदर आ सकती है और न ही बाहर जा सकती है। हर एक स्टोमेटा यानी छिद्र कोशिकाओं से घिरा होता है। इन कोशिकाओं का आकार तस्तरी नुमा होता है। यह कोशिका छिद्रों को घटने और बढ़ने से भी रोकती हैं या नियंत्रण करती हैं। सामान्य रूप से स्टोमेटा यानी छिद्र दिन के समय खुले रहती हैं और रात के समय बंद रहती है। दिन के समय खुले रहने के कारण स्टोमेटाओं से जल वाष्प बाहर आता रहता है। इस प्रकार से बाहर आने वाली जल की पूर्ति जड़ों द्वारा होती रहती है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसी वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा पेड़ों की पत्तियां धूप में ठंडी रहती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वाष्पन की क्रिया से हमेशा ठंडक बनी रहती है। यही प्रक्रिया पेड़ों और पौधों में लगातार होने से उनके पत्तों पर सूरज की गर्मी महसूस नहीं होती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए और दोस्तों ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।